नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों बहुत से डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट एक स्टेरॉइड्स है या प्रोटीन सप्लीमेंट्स के अंदर स्टेरॉइड्स मिला के बेचे जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, पहले हम बात करते हैं वे प्रोटीन क्या होता है। वे प्रोटीन दूध से बनता है, तो ऑलरेडी छोटे छोटे अमाइनोज के अंदर ब्रेक होता है उसके अंदर, तो आपने लिया और वो आधे घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा ईजीली, तो फास्ट एब्जॉर्बिंग होता है। अब बात करते हैं जो फूड से आपको प्रोटीन मिल रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। तो फूड से आप ले रहे हो तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी बॉडी में टिश्यूज के अंदर मसल्स के अंदर पहुंचेगा। डिफरेंस ये है, वे प्रोटीन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, दूध से बनता है वो, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते वे प्रोटीन लेने के। अब दिक्कत कहाँ आती है कि अगर कोई भी सप्लीमेंट बेच रहा है तो उसको अपने सप्लीमेंट के रिजल्ट चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, उस सप्लीमेंट के अंदर स्टेरॉइड्स मिला के बेचते हैं, उससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उस सामान की बिक्री ज़्यादा होगी तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये फंडा होता है, इसलिए आपको डॉक्टर मना करता है कि ट्राई करो आप प्रोटीन सप्लीमेंट ना लो। अगर आपने प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया, अब उसको नहीं पता डॉक्टर को कि आप कहाँ से ले रहे हो, ठीक है, आपने गलत जगह से सप्लीमेंट ले लिया, जेन्युइन सप्लीमेंट नहीं लिया, ऑरिजिनल नहीं लिया, तो आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे कि आपने हमको सजेस्ट किया था कि आप वे प्रोटीन ले सकते हो और डॉक्टर को ब्लेम करोगे। इसलिए आपको बहुत से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप अपना जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है अपनी डाइट से कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो ये था बेसिक वीडियो दैट व्हाई डॉक्टर सेज दैट प्रोटीन सप्लीमेंट इज स्टेरॉइड्स। सो थैंक यू सो मच, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।